नमस्कार दोस्तों, अबाउट कोल्ड स्टोरेज इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं पुरुषोत्तम और आज मैं बताऊंगा दोस्तों कि जो कंप्रेसर का सेफ्टी वाल्व आता है, यहां देख सकते हैं कि ये कंप्रेसर का सेफ्टी वाल्व है। तो ये सेफ्टी वाल्व कंप्रेसर की सुरक्षा के लिए है। आपको मैंने एक वीडियो में बताया है कि सेफ्टी वाल्व क्या काम करता है और वो लीक हो जाता है तो कौन कौन से प्रॉब्लम कंप्रेसर के साथ आते हैं, इसके बारे में मैंने बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दे दूंगा, उसे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर जो है ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन सभी पार्ट्स का नंबर भी बताएंगे और वो किस तरह काम करते हैं, इसके बारे में मैं एक ग्राफिक के जरिए समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसके पाइप का जो कनेक्शन होता है, ये जो डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है, कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज है, यहाँ से एक पाइप देकर इसमें दिया होता है। और इसके नीचे से आपको दिखा देता हूँ, इसके नीचे से यहाँ देख सकते हैं, नीचे से पाइप आकर और इस सेक्शन में मिलाया होता है। तो इसका दोस्तों बेसिकली काम है, क्या है कि बाय चांस अगर डिस्चार्ज वाल्व बंद रह जाता है और आप कंप्रेसर को चालू कर देते हैं तो ये कंप्रेसर को सेफ्टी प्रदान करता है और इसे इसके अंदरूनी पार्ट्स खराब होने से या टूटने से बचा देता है। क्योंकि यहाँ से जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है, इसका प्रेशर यहाँ से होकर फिर सेक्शन लाइन में चला जाता है। ठीक है, इसके अंदर टेफ्लॉन शीट होता है तो यहाँ से प्रेशर इसको पुश करता है, पुश करने के बाद प्रेशर फिर से इसी सेक्शन में चला जाता है। तो इस तरह ये इसके अंदरूनी पार्ट्स टूटने से, पिस्टन टूटने से या रिंग कुछ भी क्रैंकशाफ्ट वगैरह टूटने से बच जाता है, ये सेफ्टी प्रदान करता है। दूसरी बात है दोस्तों कि वैसे तो इस प्लांट में इसका प्रेशर यानी कंप्रेसर के जो मैक्सिमम प्रेशर जो है, डिस्चार्ज प्रेशर है, उस प्रेशर से अगर ज्यादा हो जाता है किसी कारण से इस पाइपलाइन में, ठीक है, डिस्चार्ज पाइपलाइन में, तो भी ये जो प्रेशर है यहाँ से सेक्शन में चला जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि किसी प्रकार के प्रॉब्लम होने से बचा देता है। तो इसमें कभी कभी लीक हो जाता है, लीक होने के कारण कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, मैंने वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए मैं ग्राफिक के जरिए इसको बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और कहाँ कहाँ ये पार्ट्स अंदर इसके इंस्टॉल होते हैं और उसका क्या क्या काम है, तो मैं ग्राफिक के जरिए बताने जा रहा हूँ और उसके पार्ट्स नंबर भी मैं बताऊंगा ताकि आपको उसे अगर मंगाना हो तो मंगाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये है सेफ्टी वाल्व। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इसके अंदरूनी पार्ट्स के बारे में दिखाया गया है। तो देख सकते हैं कितने सारे अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं। मैं इन सभी पार्ट्स के बारे में एक एक करके बताऊंगा और इसका पार्ट्स नंबर भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो देख सकते हैं कि यहाँ से जो प्रेशर है, बाई चांस डिस्चार्ज वाल्व बंद रह जाता है और आप कंप्रेसर को चालू कर देते हैं तो कंप्रेसर के लिए जो निर्धारित डिस्चार्ज प्रेशर है, उस प्रेशर से अगर ज्यादा इसमें बढ़ जाता है तो यहाँ से इस पार्ट्स को प्रेस करता है और यहाँ से होते हुए जो प्रेशर है ये सेक्शन लाइन में चला जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है और इसे इस पार्ट्स को दबा कर रखता है ताकि ये हमेशा लीक ना करे। जब डिस्चार्ज प्रेशर मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रेशर से ज्यादा हो जाए तभी ये लीक करे, इसलिए ये इसे दाब कर रखता है। तो चलिए दोस्तों इन सभी पार्ट्स को अलग अलग करके मैं इसके नंबर को भी बताऊंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसे हम बॉटम हाउसिंग असेंबली बोलते हैं और ये जो पाइप है इसे पाइप और सीट बोलते हैं। ये यहाँ तक आया होता है, ठीक है, अंदर यहाँ तक आया होता है तो इसे हम बॉटम हाउसिंग असेंबली बोलते हैं। इसका पार्ट्स नंबर कुछ इस प्रकार है 3361305505। तो ये हो गया इसका बॉटम हाउसिंग असेंबली का पार्ट्स नंबर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसे हम वाल्व गाइड बोलते हैं। तो ये यहाँ पर लगता है, ठीक है, इसका पार्ट्स नंबर है दोस्तों 3361300150। तो ये हो गया इसका पार्ट्स नंबर, ये इस तरह यहाँ पर लगता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये है रिंग टेफ्लॉन, यानी ये टेफ्लॉन का एक रिंग है, एक सीट आता है तो ये यहाँ लगता है, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर है 3361300250। ये जो टेफ्लॉन रिंग है ये यहाँ लगता है इस तरह, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब ये जो पार्ट्स है इसका नाम है कप स्प्रिंग,
जो कि ये यहाँ बैठता है, ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर से एक स्प्रिंग रहता है, इसलिए इसे कप स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका पार्ट्स नंबर कुछ इस प्रकार है 3361300350। तो ये कुछ इस प्रकार लगता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो पार्ट्स है ये है सेफ्टी प्लेट जो कि ये यहाँ पर लगता है। तो इसका पार्ट्स नंबर कुछ इस प्रकार है 3510310550। तो ये इसका पार्ट्स नंबर हो गया। अब ये जो सेफ्टी प्लेट है यहाँ लगता है कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों कि इस पार्ट्स को हेक्स स्क्रू बोलते हैं, जो इसका साइज है M8x35। ठीक है, और इसका पार्ट्स नंबर कुछ इस प्रकार है 3991625500। तो ये हो गया हेक्स स्क्रू का पार्ट्स नंबर। ये स्क्रू यहाँ पर कुछ इस प्रकार टाइट होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं आगे क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये है स्प्रिंग, इसका काम है इन सभी पार्ट्स को दबा कर रखना, प्रेस करके रखना। तो इसका पार्ट्स नंबर कुछ इस प्रकार है 3361300550। तो ये हो गया स्प्रिंग का पार्ट्स नंबर। ये स्प्रिंग कुछ इस प्रकार यहाँ लगता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट्स है ये गैस्केट है, इसका पार्ट्स नंबर कुछ इस प्रकार है 9930003600। तो ये हो गया गैस्केट का पार्ट्स नंबर। ये गैस्केट यहाँ पर लगता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस पार्ट्स का नाम है रिंग एडजस्टिंग और इसका पार्ट्स नंबर कुछ इस प्रकार है 3613008 50। तो ये हो गया रिंग एडजस्टिंग का पार्ट्स नंबर। ये एडजस्टिंग रिंग यहाँ लगता है कुछ इस प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं, इसे कहते हैं टॉप हाउसिंग असेंबली। ये एक तरह का ढक्कन होता है जो इसे लगाकर और वाल्व को टाइट किया जाता है। इसका पार्ट्स नंबर कुछ इस प्रकार है 3613009 50। तो ये हो गया टॉप हाउसिंग असेंबली का पार्ट्स नंबर। ये यहाँ कुछ इस प्रकार लगता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों है हेक्स स्क्रू जिसका साइज है M8x50। इसका पार्ट्स नंबर है 9901628 50। तो ये हो गया दोनों स्क्रू का पार्ट्स नंबर। तो दोस्तों आपने जान लिया कि सेफ्टी वाल्व के अंदरूनी पार्ट्स जो है ये कौन कौन से पार्ट्स हैं और ये कैसे इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, और इसका पार्ट्स नंबर क्या है ये भी जान लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।